है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गोगी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइनली मेरे पास रियल मी 2 आ चुका है। तो बॉक्स कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है। तो लेफ्ट और राइट के तरफ यहाँ पर रियल मी 2 लिखा हुआ है और ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नीचे यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। 13+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके बाद फ्रंट है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। उसके बाद जो स्क्रीन का साइज है वो है 6.2 इंचेस का, एक HD+ डिस्प्ले। उसके बाद 4230 mAh की बैटरी मिल जाती है। इसका यहाँ पर प्राइस भी लिखा हुआ है, वो है 9,990 रुपये, लेकिन ये 8,990 रुपये मिल जाता है। ये है, उसके बाद पीछे देखिए, यहाँ पर पीछे भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये देखिए, मैंने डायमंड रेड यहाँ पर परचेज किया, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए फटाफट अभी इसका हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही अंदर और एक बॉक्स हमें मिल जाता है, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ है Realme। तो ये बॉक्स अभी हम निकाल लेते हैं। इसके अंदर देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक सिम इजेक्शन मिल जाता है और अंदर एक TPU केस मिल जाता है, जो कि इसकी जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी पसंद आई और देखने भी काफ़ी अच्छा है। और TPU केस बहाने से काफ़ी हद तक आपका फ़ोन भी एक प्रोटेक्शन रहता है। और नेक्स्ट जो कंटेंट है वो है अपना Realme 2 जो डिवाइस है, रेड कलर में मैंने परचेज किया हूँ, डायमंड रेड में। देखिए काफ़ी यहाँ पर अच्छा मुझे दिख रहा है, जो डायमंड कट का जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी ये पसंद आता है और रेड कलर मुझे मेरा फेवरेट भी है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए इसमें Realme जो है इसके ऊपर एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी यहाँ पर अप्लाई करके दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। और एक बार हम फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं और साइड में रख लेते हैं। बॉक्स में और क्या मिलता है हमें देख लेते हैं। बॉक्स में देखिए यहाँ पर एक लीफलेट मिल जाता है, इसके एक बार हटाने के बाद यहाँ पर मिल जाता है अपना डेटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए एक डेटा केबल, जो कि टाइप सी तो नहीं है, USB 2 माइक्रो USB केबल है। और क्या मिलता है देख लेते हैं बॉक्स में। तो ये एक 10W का चार्जर मिल जाता है, जो कि इसका जो रेटिंग है यहाँ पर देखिए, इसका जो रेटिंग है 5V 2A है इसकी जो रेटिंग, और एक अच्छी बात है। उसके बाद अभी हम फ़ोन के तरफ चलते हैं। फ़ोन को मैंने पूरी तरीके से सेट कर चुका हूँ। जो इसका UI है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर एक ऐप ऑल्ट भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ। तो ये सेट करने के बाद कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है, और चाहे तो आप यहाँ पर एडिट में जाकर कुछ अपने हिसाब से इसको एडिट भी कर सकते हैं। और जो इसका जो UI है काफ़ी स्मूथ है। एक बार नोटिफिकेशन पैनल भी हम देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन पैनल देखिए कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है। और एक अच्छी बात है, नोटिफिकेशन पैनल में ही यहाँ पर आपको एक कैलकुलेटर, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डर के जैसे कुछ फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैलकुलेटर, और उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, और बैटरी सेविंग वगैरह का बहुत कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है जो नोटिफिकेशन बार है, वो एक अच्छी बात है। अभी हम चलते हैं सीधे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिवाइस नेम लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर देखिए डिवाइस नेम जो Realme 2, उसके बाद मॉडल, उसके बाद जो कलर OS है 5.1 रन करा है, उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन का जो 8.1 ओरियो है, जो कि सेकंड लेटेस्ट बोल सकते हैं हम, क्योंकि एंड्रॉयड पाई भी अभी ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पर रैम है 3GB और इंटरनल स्टोरेज है 32GB। 32GB में से आपको 21.6GB तक अवेलेबल मिल जाती है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी हम सीधे चलते हैं इसके कैमरा के तरफ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कैमरा ऐप ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एक जो पिक है मैंने लेने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद एक जो कैमरा ऐप है उसके अंदर आपको 2x का जूम भी मिल जाता है। यहाँ पर देखिए, मैंने अभी 2x कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 2x, ये देखिए 2x, उसके बाद यह है सिंगल एक्स। ये देखिए एक 2x जूम का भी ऑप्शन यहाँ पर एक मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पर कुछ मैंने इस कैमरा से कुछ जो पिक्चर्स है निकाल लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो कैमरा के जो पिक्चर्स है कैसे आए हैं। पिक्चर्स की जो क्वालिटी है फर्स्ट इम्प्रेशन में तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो यहाँ पर जूम करने के बाद भी जो डिटेलिंग्स है काफ़ी अच्छा यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स ले लिया हूँ। अभी मैंने चलता हूँ सीधे सेल्फी के तरफ। तो ये देखिए, मैंने सेल्फी कैमरा ओपन कर लिया, उसके बाद एक पिक ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेल्फी में भी आपको पोर्ट्रेट शॉट वगैरह कुछ
जो ऑप्शन है वो सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ पर एक स्टिकर का मोड भी मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कुछ तरह तरह के यहाँ पर स्टिकर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अब ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते अगर आप 8,000 में एक ये फ़ोन ले रहे हैं तो। और साथ ही साथ जो फ़ोन है मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन में तो काफ़ी अच्छा लगा, और इसकी जो डिज़ाइन है, खास करके जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी अच्छा इसके लगा। इसके बाद हम चलते हैं सिम ट्रे की तरफ। तो ये देखिए मैंने सिम ट्रे को यहाँ पर निकाल लेता हूँ, और सिम ट्रे निकालने के बाद मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खुशी मिल जाती है, जो कि यहाँ पर आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड साथ ही साथ लगा सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, शेयर करना, और साथ साथ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो ले आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।